तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग बात करने वाला है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जो कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर अगर चल रहा होगा तो उनके लिए अपडेट है, जिनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा होगा उनके लिए अपडेट है। उनका फाइनली जो है कि एग्ज़ाम होना है, सभी को पता है। तो एग्ज़ाम होने के साथ साथ उनके पहले फॉर्म भराना होता है, ठीक है। तो फॉर्म भराने का फाइनली डेट आ चुका है। अब डेट में हम पूरा इन डेप्थ बात करते हैं कि कब क्या डेट भरने का डेट आ रखा है। चलिए, तो वीडियो को स्क्रीन शेयर मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको इधर दिख रहा होगा साइड में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आओगे तो ये ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले ये जो है नोटिस नंबर 840 है, और यहाँ पे आज के डेट में निकाला गया 26/2/2024, कुछ देर पहले आया था, आधा घंटा हुआ होगा आए हुए, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि बीटेक के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड थर्ड सेमेस्टर में है, जो कि बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा रहा है कि बीटेक के जितने फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है, जो 2024 में, एक्चुअली इनका एग्जाम 2023 में होना चाहता बट थोड़ा सा एग्जाम लेट चल रहा है, तो उनका बताया गया कि 2023 वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जो कि 27 फरवरी से, यानी आज 26, कल से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो 27 से लेकर के आपका 29 फरवरी तक, मतलब कि 27 को होगा, 28 को होगा और 29 को होगा, टोटल 3 दिन का आपका डेट दिया गया है। 3 दिन में आपका फॉर्म भरा कर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भराएगा, क्या भराएगा, इसको हम थोड़ा देर में आपको इन डेप्थ बातें करेंगे, बट थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपको फॉर्म भराएगा तो वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप कोई और भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप रेगुलरली यहाँ पे इस वाला साइट पे विजिट कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो फॉर्म भराने का जो डेट है आपका आ चुका है, जो कि 27 से लेकर 29 तारीख तक आपका फॉर्म भराएगा। अब जितने भी बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका फॉर्म भराएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी ये कॉलेज हैं, जो कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सारे प्रिंसिपल को ये भेजा गया है, ठीक ना। और ऑफिशियल साइट पर भी अपडेट कर दिया गया, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये देख सकते हो कि आज के मुहर साइन वगैरह सब कुछ करके दे दिया गया आपको। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 27, 28, 29, 3 दिन का फॉर्म रहेगा। अब 3 दिन में जितने भी कॉलेजेस हैं सारे अपना फॉर्म भरवा लेंगे, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है, जो कि तय समय पे है, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बीटेक के थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम का डेट अब जो 5 तारीख से होने वाला था, 5 मार्च से, वो 5 मार्च आप लोग कन्फर्म रहे कि आपका 5 मार्च से ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चूँकि फॉर्म तो इधर भरवा ही ले रहे हैं ना, तो इधर 29 तक आपका फॉर्म भरा जा रहा है, तो 5 से 7 दिन में आपका टाइम मिलेगा एडमिट कार्ड आ जाने का, और एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम 5 मार्च से जो होना है वो 5 मार्च से अपने तय समय पर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, बीटेक के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई भी अपडेट अभी तक फिलहाल नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। आपके लिए कोई अपडेट नहीं आया, बट आपका फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है। तो आप मान के चलिए, जैसे ही बीटेक के थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बीतेगा, उसके तुरंत बाद आपका भी एग्ज़ाम कन्फर्म है कि हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आपका अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो 18 या 20 याद रखिए, 18 या 20 के आसपास आपका बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोग, तो कुछ सोच के ही भरवा रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम भी कन्फर्म है कि 18 या 20 के आसपास अपने को फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपका नोटिस आ ही जाता है, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं, उनका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल जाएगा और आपका एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करिए, जो भी आपको सही लगता है, जैसे भी लगता है, जहाँ से भी कवर होता है, आप अपना पढ़िए, सिलेबस को 100% कवर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि PYQ कर सके, जितने भी मॉडल सेट वगैरह हैं या जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिले अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। चूँकि एग्ज़ाम का रिजल्ट आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले आया है, रिजल्ट उतना सही गया नहीं है सभी लोगों का, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गलती एक तरफ से होती है, गलती दोनों तरफ से भी होती है। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने में कहीं ना कहीं लैग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उस तरीके से चुक हो जा रहा होगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट सही नहीं बन पा रहा है। और कहीं ना कहीं सिस्टम में भी एक पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, जिससे कि बच्चे का स्कोरिंग अच्छा हो पाए, ठीक है। तो ऑल ओवर ये सब ज्ञान की बातें हो गई, मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी थोड़ा समय की कमी है, बट फिलहाल ये जो अपडेट आया था मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम सही टाइम पर होगा, सही सेशन पर होगा, आप लोगों का कोर्स सही टाइम पर कम्प्लीट होगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, आप अपने लग रही है प्रिपरेशन में, ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।